सब्सक्राइब करें और सुने एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की कहानी यूपी की रहने वाली निशा की है। तो अब मैं आपको ये कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगी। ये कहानी पिछले साल की है, जब दुनिया भर में कोरोना की महामारी फैली हुई थी और जिसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हो रखा था। उस दौरान मैं और मेरे माँ पापा दिल्ली में रहते थे, पर लॉकडाउन की वजह से हमारी हालत बहुत तंग हो गई थी। मेरे पापा दिल्ली के एक ऑफिस में वॉचमैन का काम करते थे और मेरी माँ लोगों के घर के काम करती थी, पर कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मेरे माँ पापा दोनों की ही नौकरी छूट गई थी, जिसकी वजह से हमें पैसों की काफ़ी दिक्कत हो गई थी। और मेरे माँ पापा ने सोचा कि अब हमें अपनी दादी के गांव चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारी अपनी खुद की खेती बाड़ी थी। पर लॉकडाउन की वजह से ना तो कोई ट्रेन चल रही थी और ना ही कोई बस, तो बस हम पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़े। हम करते भी तो क्या, भूख और रोजगार की कमी अच्छे अच्छों को ताकतवर बना ही देती है। तो बस हम भी निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर पैदल ही। करीब 4-5 घंटे लगातार पैदल चलने के बाद हमारी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। हम सबसे अब बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। तब मेरे पापा ने कहा, यहीं कच्ची सड़क पर हम चादर डालकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद चलना शुरू करेंगे। फिर हमने चादर उस कच्ची सड़क पर बिछा दी और थोड़ी देर वहीं लेट गए। हमारा शरीर पूरा थक चुका था, तो लेटते ही हमारी आंखें लग गई। करीब 2-3 घंटे बाद जब हमारी आंखें खुली तो उस वक्त थोड़ा अंधकार हो चुका था। तो माँ ने कहा, हम आज यहीं रुक जाते हैं और हम कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि माँ को थोड़ा डर लग रहा था कि इस अंधेरे में कहीं कोई शराबी या गुंडा हमें रास्ते में ना मिल जाए। इसलिए अब हमने सोचा कि रात यहीं गुजार लेते हैं और सुबह जल्दी निकल चलेंगे यहाँ से। शाम में 2-3 घंटे सोने के बाद अब मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा आसपास टहल के आ जाऊं। जैसे ही मैं उठने लगी तो माँ ने कहा, कहाँ जा रही है निशा, चुपचाप इधर आकर सो जा। तो मैंने माँ से झूठ बोलते हुए कहा, माँ मैं बस अभी आई, बाथरूम लगी है। तो माँ ने कहा, ठीक है जा, जल्दी से करके आ, पर ज़्यादा दूर ना जाना। मैंने ठीक है कहा और चलने लगी। वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुनसान थी, आसपास कोई भी दिख नहीं रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे ज़मीन पर कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया। मैंने जब उस ओर झुककर देखा तो वहाँ एक अंगूठी थी जो बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी और उसमें एक बड़ा सा नीले रंग का पत्थर लगा हुआ था। ये अंगूठी देखने में काफ़ी महंगी लग रही थी। अंगूठी देखकर मैं बहुत खुश हो गई और मैंने जल्दी से उसे उठाकर अपनी उंगली में डाल लिया, पर वो अंगूठी काफ़ी ढीली थी तो मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली ताकि अंगूठी मेरे हाथ से गिर ना जाए। फिर मैं जल्दी से भागकर माँ के पास चली आई और उनके बगल में बैठ गई। मैंने सोचा मैं माँ पापा को ये अंगूठी दिखाऊं, पर फिर मुझे थोड़ा डर लगा कि कहीं पापा मुझे डांट ना दे इस तरह से कोई भी सामान उठाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा मैं चुपके से माँ को दिखाती हूँ अपनी ये अंगूठी। पर मैंने जैसे ही अपनी मुट्ठी खोली तो मैं देखती हूँ कि वो बड़ी सी और ढीली सी अंगूठी वो अब मेरी उंगली में अच्छे से फिट हो गई है
और बिल्कुल मेरे ही साइज की है। ये देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरा चेहरा बिल्कुल पसीना पसीना हो गया। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ, इतनी बड़ी अंगूठी अपने आप इतनी छोटी कैसे हो गई। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। मुझे लगा ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मैं जल्दी से उस अंगूठी को अपनी उंगली से निकालने लगी, पर अब वो निकल ही नहीं रही थी। मेरी डर के मारे हालत खराब हो रही थी। अब मुझे अपनी माँ से भी ये सब कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि सुबह साबुन से हाथ धोकर मैं ये अंगूठी आसानी से निकाल लूँगी। और फिर मैं सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद मेरी आँख लग ही गई। फिर सुबह मेरी आँखें माँ की जोड़ जोड़ से चीखने पर खुली। माँ जोड़ जोड़ से कह रही थी, निशा निशा उठ बेटा, क्या हो गया है तुम्हें। मैंने जैसे ही अपनी आँखें खोली, माँ का रोता हुआ चेहरा मेरी आँखों के सामने था। मेरी आँख खुलते देखते ही माँ मुझे कसकर अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, बेटा तू ठीक है ना, मैंने तो सोचा हमने तुम्हें। इतना कहते ही माँ फूट फूट कर रोने लगी। फिर मैंने पूछा, क्या हुआ है माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। तब माँ ने कहा, अपना हाथ देख निशा, तेरा हाथ पूरा नीला पड़ गया है। मुझे तो लगा शायद सांप ने तुझे काटा है इसीलिए ये नीला है, पर अब तो लगता है कुछ और ही बात है। फिर जब मैंने अपना हाथ देखा तो सही में मेरा हाथ बिल्कुल नीले रंग का हो गया था। मैंने जब उस अंगूठी की ओर देखा तो उसकी चमक और बढ़ती जा रही थी। मैंने फिर से कोशिश करी कि मैं ये अंगूठी अपनी उंगली से उतार लूं, पर ये निकल ही नहीं रही थी। और अब मैं जैसे ही ज़मीन से उठने लगी, मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही थी। मेरा शरीर बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में अब जान ही नहीं बची है। फिर मैंने अपनी माँ को अंगूठी के बारे में सब कुछ बता दिया। माँ ने डरते हुए कहा, बेटा ये तूने क्या किया, किसी भी अनजान चीज को उठाकर तू अपने शरीर में कैसे पहन सकती है निशा, ये तुझे नहीं करना चाहिए था। तब मैंने माँ से पूछा, क्यों माँ, क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया मैंने। तब माँ ने कहा, बेटा ऐसी अंगूठियों में या किसी सोने की वस्तु में लोग टोना टोटका करके उसे बीच चौराहे में फेंक देते हैं। चौराहा मतलब चार तरफ का रास्ता। लोगों का मानना होता है कि ऐसा करने से भूत पिशाच उनके घर से दूर हो जाएगा। और कुछ कुछ मौलवी तांत्रिक तो जिन जिन्नातों को ऐसी ही अंगूठी में कैद करके जमीन में गाड़ देते हैं। निशा अब तेरा क्या होगा बेटा, ना जाने इस अंगूठी में अब कौन सा राज छुपा है। ये सब देखते हुए मेरे पापा ने कहा, रुको मैं आसपास से कोई मदद ढूंढता हूँ। और मेरे पापा वहाँ से निकल गए। करीब एक घंटे के बाद मेरे पापा अपने साथ एक मौलवी साहब को लेकर आए। मौलवी साहब ने मेरी हालत देखते ही कहा, इसे यहाँ से ले चलिए जल्दी, वरना शायद इसका बचना मुश्किल हो जाएगा, इस पर कोई शैतानी साया कब्जा कर चुका है। और इधर धीरे धीरे मेरे हाथ के साथ अब मेरा पूरा शरीर भी हल्के नीले रंग का होता जा रहा था। तब मेरे पापा और माँ ने मिलकर मुझे ज़मीन से उठाने की कोशिश की, पर मेरा शरीर पूरा भारी हो गया था। मेरे माँ पापा मुझे उठा ही नहीं पा रहे थे। ये देखते हुए मौलवी साहब ने मुझ पर कुछ मंत्र पढ़कर पानी के छींटे डाले, जिससे
मेरा वज़न अब थोड़ा हल्का हुआ और फिर मेरे माँ पापा मुझे वहाँ से उठाकर ले जाने लगे। कुछ 10-15 मिनट चलने के बाद मौलवी साहब मुझे एक मस्जिद में लेकर आ गए। मेरी हालत देखकर और मेरे शरीर का नीला रंग देखकर मस्जिद में मौजूद लोगों के चेहरे पर थोड़े डर के भाव दिख रहे थे। ये सब देखकर अब मुझे भी समझ आ रहा था कि मैं शायद अब किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। कुछ वक्त के बाद मौलवी साहब मुझे एक कमरे में ले जाते हैं और वहाँ चौक से एक बड़ा सा गोला बना देते हैं और मुझे उस गोले में बिठा देते हैं। मैं उस गोले में बैठ जाती हूँ पर मेरा शरीर उस गोले से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, तड़प रहा था। मुझे पूरा पसीना आने लगा और मेरा शरीर भी अब दर्द करने लगा था। उस कमरे में मैं बिल्कुल अकेली थी। कुछ पल के बाद मौलवी साहब अपने साथ कुछ और लोगों को वहां लेकर आते हैं और अब उस कमरे में मैं और 4 मौलवी हैं। मुझे पता नहीं क्यों पर अचानक से ही मुझे बहुत डर लगने लगा और मेरी सांसें फूलने लगी। ये देखते ही एक बड़े से मौलवी साहब ने मुझसे कहा, बच्ची आप घबराओ मत, हम यहाँ आपकी मदद के लिए ही आए हैं, पर आपको भी हिम्मत रखनी होगी। मौलवी साहब की बातें सुनकर मुझे थोड़ी राहत तो मिली पर फिर भी डर बहुत लग रहा था मुझे। कुछ वक्त तक वे 4 मौलवी मिलकर कुछ पढ़ने लगे और मेरे गोले के किनारों पर बैठ गए। कुछ आधे घंटे के बाद एक जोरदार आवाज मेरे कानों में गूंजती है, ये लड़की खुद मेरे पास आई थी और इसने खुद अपनी मर्जी से इस अंगूठी को अपनी उंगलियों में डाला है। ये सब इतनी जोरदार आवाज में सुनते ही मैं डर के मारे बेहोश हो गई। फिर मौलवी साहब ने मेरे चेहरे पर पानी के छींटे डाले और कहा, बच्ची अगर आप इस तरह से घबराओगे तो फिर हम उस जिन को आपके शरीर से निकाल नहीं पाएंगे। आप हिम्मत रखो, हम हैं ना। क्या जिन्नात? मैंने घबराते हुए कहा और मैं जोर जोर से रोने लगी। फिर मौलवी साहब ने अपनी क्रिया दोबारा शुरू की और मेरे ऊपर खूब सारा पाक पानी डाला और अब धीरे धीरे मेरे शरीर का नीला रंग अब हल्का हो रहा था। ये देखकर अब मेरा डर थोड़ा कम हुआ पर फिर एक ही पल के बाद उस जिन की आवाज़ दोबारा आने लगी और वो बोला, अब मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता, इसने खुद मुझे चुना है, इस लड़की ने खुद मुझे अपना बनाया है, ये मेरी है अब। ये सब सुनते ही फिर जल्दी से मौलवी साहब मेरे माँ पापा को उस कमरे में बुला लेते हैं और कहते हैं, आज पूर्णिमा की रात है, आज रात इस जिन की शक्ति काफी अधिक हो जाएगी और शायद तब हम इसका कुछ नहीं कर पाएंगे और ये आपकी बच्ची को आपसे बहुत दूर ले जाएगा। ये सुनते ही मेरी माँ जोर जोर से रोने लगी पर मेरे पापा ने कहा, पर मौलवी साहब क्या और कोई उपाय नहीं है इससे छुटकारा पाने का? तब मौलवी साहब कहते हैं, देखिए आपकी बेटी खुद इस जिन के पास गई थी और इसने खुद इसे अपने शरीर में धारण किया था इस अंगूठी के रूप में, तो अब इस जिन को इसके शरीर से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है कि हमें आपकी बेटी की इस उंगली को काटनी होगी जिस उंगली में इसने ये अंगूठी डाल रखी है, क्योंकि अंगूठी को बाहर निकालना वो भी इतने घंटों के बाद ये अब मुमकिन नहीं है और अभी
हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, और अगर अब हम और देर करेंगे तो शायद कुछ भी हो सकता है। फिर मेरी माँ ने कहा, हाँ मौलवी साहब, आपको जो ठीक लग रहा है आप करें, पर मेरी बेटी को बचा ले। फिर मौलवी साहब ने एक छोटे से चाकू से, जो कि बहुत तेज थी, उससे एक ही पल में मेरी उस उंगली को, जिसमें मैंने अंगूठी पहना था, उसे मेरे हाथ से काट कर अलग कर दिया, और अब एक खून का फुहारा मेरे हाथ से बहने लगा और मैं फिर से बेहोश हो गई। और जब मेरी आंखें खुली तब मैंने खुद को एक हॉस्पिटल के बेड में पाया। फिर आगे क्या हुआ, मेरी उस उंगली, उस अंगूठी और उस जिन के साथ, ये मेरे पापा मुझे बताते हैं कि मौलवी साहब ने मेरी उंगली को उस अंगूठी के साथ ही एक शीशे के बॉटल में बंद कर दिया, और उस बॉटल को उन्होंने मस्जिद में ही मौजूद एक बक्से में बंद करके रख दिया। और मौलवी साहब ने कहा, हम अगले दिन इसका ठिकाना लगा देंगे, अब आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपकी बेटी और आपका परिवार अब बिल्कुल सुरक्षित है, अब आप आराम से अपने घर जाएं। आज इस घटना को लगभग 1 साल हो चुके हैं, और मेरी एक गलती, जो मैंने उस अनजान अंगूठी को उठाकर पहन लिया था, जिसकी वजह से आज मेरे हाथों में बस 4 ही उंगली बची है, पर ऊपर वाले और मौलवी साहब का शुक्र है जो मैं जिंदा बच गई। इसलिए दोस्तों, आप भी कभी किसी अनजान वस्तु को उठाने की गलती ना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरी कहानियों को शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी बिहार के रहने वाले मोहन ऑटो वाले की है। मोहन करीब 10 साल से ऑटो चला रहा था। वो अक्सर स्टेशन के बाहर ही खड़ा रहता था और वहीं से चिल्ला चिल्ला कर अपनी सवारी को बुलाया करता था। ये बात सन 1990 की है, आज से करीब 30 साल पहले की। मोहन एक शाम सवारी के इंतजार में स्टेशन के बाहर खड़ा था, पर आज उसे कोई सवारी ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि आज जोरदार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, जिसके कारण आज सारी ट्रेनें लेट थी। एक तो उस गांव में वैसे ही कम ट्रेन ही रुका करती थी, पर आज तो बारिश के कारण जो 1-2 ट्रेन आती थी यहाँ, वो भी आज लेट थी। शाम के करीब 7 बजे से इंतजार करते करते रात के 11 बजे एक ट्रेन आई उस जगदीशपुर गांव में। ट्रेन को आता देखते ही मोहन का चेहरा खुशी से खिल गया, और वो मन ही मन सोचने लगा, चलो कम से कम एक सवारी तो मिल ही जाएगी आज। ट्रेन से कुछ 5-6 लोग ही उतरे थे उस वक्त, उसमें से एक औरत और उसके साथ एक लड़की उतरी थी, जो मेरे ऑटो की ओर ही आ रहे थे। उनके आते ही मैंने उनसे पूछा, कहाँ जाना है? तो उस औरत ने अपनी लाल लाल बड़ी आंखों से मेरी ओर घूरते हुए मुझे देखा, और फिर एक भारी सी आवाज में मुझसे कहा, इस गांव के सरपंच ठाकुर साहब की हवेली में ले चल मुझे। तो ऑटो वाला ने कहा, जी वो तो यहाँ से काफी दूर है, 400 रुपए देने होंगे आपको। तो उस औरत के साथ जो लड़की थी, उसने डरते हुए मुझसे कहा, चलो चाचा, जितना बोलोगे उतने रुपए दे दूंगी आपको, बस जल्दी से हमें उस हवेली में पहुंचा दो। ये सुनते ही उस औरत ने एक अजीब सी मुस्कान हंसते हुए उस लड़की की ओर देखा। करीब
40 मिनट के बाद वे लोग ठाकुर साहब की हवेली के पास पहुंच गए थे और वो औरत जल्दी से भागकर हवेली का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। ये देखकर मोहन ऑटो वाला और वो लड़की दोनों भागकर उस औरत के पास जाते हैं। मोहन कहता है, आराम से दरवाजा पीटिए ना, लोग सो रहे होंगे। तब वो औरत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए मोहन की ओर देखती है और उसे बिना छुए ही एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ देती है। तमाचा खाते ही मोहन एकदम से घबरा जाता है और डर के मारे 4 कदम पीछे हट जाता है। फिर वो धीरे से उस लड़की से कहता है, बेटा ये कोई चुड़ैल है क्या? मुझे मेरे पैसे दे दो ना, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो वो लड़की कहती है, चाचा मेरे पास तो खुद ही कोई पैसे नहीं है, मैं आपको कैसे दूंगी? और मुझे तो खुद ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुद वापस अपने शहर कैसे लौटूंगी। ये सब सुनते ही मोहन को बहुत अजीब लगने लगता है और वो चुपचाप जाकर अपने ऑटो में बैठ जाता है। कुछ 5 मिनट के बाद हवेली का दरवाजा एक 17-18 साल का लड़का खोलता है और झुंझलाते हुए पूछता है, कौन है भाई इतनी रात को? जो भी काम है कल सुबह आना, ठाकुर साहब अभी सो रहे हैं। ये सुनते ही वो औरत हवा में उड़ते हुए ठाकुर साहब के रूम में चली जाती है। हम सब भी उसके पीछे भागते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पर जैसे ही हम ठाकुर साहब के रूम के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं ठाकुर साहब मर चुके हैं। उनकी आंखें खुली हुई है जो डर के मारे फैली हुई थी और उनकी आंखें एकदम लाल हो चुकी है जो शायद गला घुटने की वजह से हो रखी थी। और वो औरत जो उड़ते हुए इस कमरे में आई थी वो अब वहां नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। ये सब देखते ही मैं एकदम घबरा सा गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। गांव वाले तो मुझसे ही कहेंगे कि मैंने एक भूतनी को अपने ऑटो में बिठाकर इस हवेली में लाया था। ये सोचते सोचते मेरी नजर अब उस लड़की पर पड़ी। मैंने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, ए लड़की कौन है तू और तू अपने साथ किस भूतनी को लेकर घूम रही है जिसने इतने भले ठाकुर साहब को मौत की नींद सुला दी। तो लड़की कहती है, भले कहाँ थे भले आपके ठाकुर साहब, वो तो एक शैतान थे। तो मोहन ने पूछा, क्या मतलब? तो वो लड़की बोली, मेरा नाम पलक है, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ और पढ़ाई करने के लिए मैं शहर जा रही थी उसी ट्रेन से। उसी ट्रेन में मुझे ये औरत अकेले एक कोने में रोते हुए दिखी, तो मैंने उससे जाकर पूछा कि आप रो क्यों रही हैं? तो उसने मुझे बताया कि उसका नाम सीमा है और वो इसी जगदीशपुर गांव की रहने वाली है। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे, इसलिए उन्होंने सीमा को ठाकुर रतन सिंह के यहाँ काम करने के लिए लगवा दिया था। पर ठाकुर की नीयत बहुत खराब थी, उसने सीमा को जब वो करीब 12-14 साल की थी तब उसके साथ गलत हरकतें की थी और गलत हरकत करने के बाद उस ठाकुर ने इस बेचारी को एक दलाल को बेच दिया और वो उसे लेकर शहर चला गया था और शहर में हर दिन हर रात इसके साथ शोषण होता रहता था। इसलिए इसने ठाकुर से बदला लेने की ठान ली थी, पर इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब वो कैसे करे। इसलिए सीमा ने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी थी और आत्मा बनकर आज उसने ठाकुर की जान लेकर अपना बदला पूरा कर लिया। तो ऑटो वाला मोहन कहता है, पर ये तुम्हें अपने साथ क्यों लाई है यहाँ? ये खुद भी तो उड़ते हुए आ सकती थी ना? तो लड़की ने कहा, हाँ चाचा ये खुद भी आ सकती थी, पर फिर इसकी कहानी और उस ठाकुर के
गंदे कामों का पता गांव वालों को कैसे चलता, इसलिए वो औरत मुझे भी यहाँ लेकर आई है ताकि मेरे द्वारा गांव वालों को सच्चाई का पता चल सके। इस घटना के बाद मोहन ने सुबह की ट्रेन में पलक को बिठा दिया और उसे उसकी मंजिल की ओर भेज दिया और उसके बाद उसने खुद ये सुनिश्चित किया कि आज के बाद वो रात में कभी भी ऑटो नहीं चलाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, प्लीज़ मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।